कि बाबा बड़े दुख परेशानी बड़ी आशा के साथ तेरे दरबार में आया हूँ और आज तुझसे पूछता हूँ, एक बच्चा हूँ, जिद करके विश्वास से कहता हूँ, सुनिएगा, कि साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरे बाबा कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किसी से मदद मांगने जाओगे अगर मदद कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ताना जरूर मारेगा कि मैंने उस समय तेरी मदद करी थी, लेकिन इसके दरबार में आके जितना मांगोगे गलती करोगे तो भी माफ कर देगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। आज आए हो इतने समय तक, इतनी सर्दी में रुके हो, पूछ लेना अपने अपने भाव से कि बाबा तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, के साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आओ जरा जो जो सुनाने आया है दिल की बात, जो जो विश्वास से आया है, अपने अपने भाव से, अब नहीं बोलूंगी ताली बजाओ, अब वही ताली बजाना जो सच्चे और श्रद्धा भाव से आया। आओ, के साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, जाना भाव से। एक दो बजाओ ताली, साथ में कह देना बाबा से, पूरे भाव से गा देना, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो और जाए, बाबा जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, आंखों से और कहता है बाबा से, बाबा पानी है सर से ओ।
चलेगा साथ हमारे कौन चलेगा सारे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा बताओ सच में जिस जिसको लगन लगी वो हाथ उठाना बाबा से किस किस को लगन लगी जिसे जिसके तार जुड़े हैं ताली बजाओ धीमा धीमा कहना ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे ओलीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे ओलीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे और प्रेमी कहता है बाबा ओ जैसे दीपक और बाती साथ रहे जैसे मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे जय हो बोलो खाटू नरेश की हो आनंद आया हो ऐसा कौन कौन है जो जहां बाबा का कीर्तन होता है वहां चले जाते हैं इधर वाले भी जाते हैं ये नहीं सोचते कितना दूर है कितना पास अगर कोटा होगा तो कोटा भी चले जाएंगे ये प्रेमी पता है क्यों जाते हैं तुमसे मिलना बातें करना ओ बड़ा अच्छा लगता है ओ तुमसे मिलना बातें लगा पहले इतनी पूजा सेवन नहीं करता था लेकिन जब से आपसे जुड़ा मुझे खुद समझ नहीं आता आपकी तरफ खींचा चला जाता हूँ क्या है ये क्यों है ये क्या खबर क्यों मगर जो भी है वो बड़ा अच्छा लगता जो जिंदगी भर चरणों की सेवा करता है जैसे हमारे दरबार वाले भैया दिन रात भोग लगाते होंगे सेवा करते होंगे ऐसे मेरी माताएं बहनें घर में भोग लगाती होंगी पूजा पाठ करती होंगी भैया मंदिर जरूर जाते होंगे कुछ भी काम धंधे पर गए पहले मंदिर गए वो प्रेमी कहते हैं जिन्हें सच्ची लगन है क्योंकि कलयुग में हर इंसान पूजा पाठ धर्म की ओर नहीं जा रहा कुछ लोग हैं इधर जाते हैं तो कुछ इधर भी जाते हैं लेकिन जो धर्म की तरफ है वो कहते हैं जब तक सांसे चलेगी तुझको चाहूंगा शाम कहना मेरे साथ मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार ओ शाम मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार।
हारा हूँ बाबा और अरे जीतूंगा एक दिन बाबा। दुनिया से सुना तेरे दरबार में जो हार कर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं भी बच्चा बनकर आया हूँ, दुनिया की ठोकरें खा कर आया हूँ, मुझे विश्वास है आज हार कर आया हूँ लेकिन जीत कर जाऊंगा। अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ में और बाबा जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये बाबा बस ओ मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। सारे कह दो हारा हूँ बाबा हाँ जीतूंगा एक दिन। कौन कौन हार कर आया है और उसको भरोसा है कि मैं जीत कर जाऊंगा? जरा इस भजन में तो हाथ उठाना पड़ेगा, जो जितने लंबे हाथ उठाएगा तरक्की में उतना जल्दी ऊपर जाएगा। जितनी माताएं बहनें सर्दी लग रही है ताली बजाओ, गर्मी लगने लग जाएगी सेवा में, कहना बोलो हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये कहता जीतूंगा एक दिन। हो हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, अरे जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। अच्छा सच में दिल कहता है तो हाथ उठाना, अगर मेरे कहने पे हाथ उठाओगे काम नहीं बनेगा, अपने दिल से हाथ उठाओ, सिर के ऊपर ताली बजाओ। ये भांजी की बात माननी पड़ेगी, गोविंदा वाला नाचना, कहना अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये कहता बोलो 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 हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये कहता है। अब सुनो जो हाजिरी लगा रहे हैं भैया लोग, एक आध भजन के बाद होली मनाएंगे, अभी बैठ जाओ, अभी सुनना है भजन। अब सुनो महाभारत काल द्वापर युग में हुआ सबको मालूम है? जोर से बोलो सबको मालूम है? पांच पांडव थे महाभारत में, मालूम है? पांच पांडवों में से एक थे भीम, कौन थे? भीम। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, कौन थे? मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, कौन थे? और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक, कौन थे? बोलो बर्बरिक सरकार की। अब सुनो जब बर्बरिक 14 साल के हुए
महादेव की कठिन तपस्या करी, महादेव से तीन बाण हासिल करे। बोलो तीन बाण धारी की। जब तीन बाण हासिल करे, अपनी माँ को आके बोले, माँ मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ने जाता हूँ। माँ बोली, 14 साल का बालक महाभारत की लड़ाई कैसे लड़ेगा? हट करने लग गए। नहीं माँ, मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ूंगा। माँ बोली, जा बेटा लड़ना, लेकिन उसकी तरफ से लड़ना जो हारे। किसकी तरफ से लड़ना? जो हारे। अब सबको मालूम था पांडव पांच हैं, लेकिन उनके साथ स्वयं कृष्ण भगवान हैं, और कौरव चाहे 100 हैं, उनके पास पूरी नारायणी सेना है, पर वो जीत नहीं सकते, क्योंकि बुराई की जीत कभी भगवान ने नहीं होने दी। कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक की परीक्षा लेने आए। बर्बरिक से बोले, 14 साल का बालक कैसे महाभारत की लड़ाई लड़ेगा? बर्बरिक बोले, स्वामी जो परीक्षा लेनी है ले लो। गोविंद बोले, बर्बरिक अपना शीश काट के मेरे चरणों में दान कर दो तो मानू कि तुम बड़े योद्धा हो। बर्बरिक ने सोचा, एक सेकंड नहीं सोचा और शीश काटा, गोविंद के चरणों में रख दिया। बोलो शीश के दानी की जय हो। गोविंद खुश हो गए। कृष्ण भगवान ने बोला, हे बर्बरिक, तू कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। बोलो श्याम प्यारे की। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, तेरा प्रभाव कलयुग में बढ़ता जाएगा। बोलो हारे के सहारे की। जो हार कर आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। आज तक नहीं हुआ, बाबा को वरदान है। अब ताली बजाओ, सारे बजाओ ताली। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। ये ताली बजाओ, बजाओ ताली। कहना मेरे साथ में, मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। आ रहा हूँ बुलंद आवाज में, अरे जीतूंगा। ओ आ रहा हूँ पापा, अरे तुझ पे भरोसा है, अरे जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। जो हार कराया है कहना, हारे हारे, हारे।
हो बाबा हम तो तुम्हारे के कहते हैं कि सैकड़ों गर्जमंद मिलते हैं और काम के लोग तो चंद मिलते हैं और जब मुसीबत का समय आता है तो सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहना मिलकर बोलो हारे 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 तुम हारे के सहारे भजन सुनाए कब बाबा का ज्योत आए और कब हम कीर्तन में आनंद लें। जो जो इसको अपना बाप मानता है और खुद को इनका बच्चा मानता है वो मेरे साथ कहना क्या मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे अखियां करे इंतजार सांवरे पलकों का घर तैयार सांवरे ओ मेरी पलकों का पूछे कि तू फाटू क्यों नहीं आता मुझे खंडार में क्यों बुला लिया। बाबा पूछ सकता है सपने में आके इतनी मेहनत करी इतनी जिद करी हर कोई नहीं बुला सकता। आप लोग किस्मत वाले हो, किस्मत वाले मानते हो ताली बजाओ। कौन कौन किस्मत वाला मानता है सिर्फ वो ताली बजाना। ये खंडार वाले किस्मत वाले बाबा आया आपके गाँव में। मैं जब आई मुझे लगा पता नहीं शाम प्रेमी होंगे नहीं होंगे लेकिन अनुष्का ऐसे शाम प्रेमी बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ये शाम प्रेमी कहते हैं बाबा हमने आपको खंडार इसलिए बुलाया क्योंकि अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता। खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता। बाबा खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है बाबा। अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है बाबा। अरे जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा अरे जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजता। बाबा आज खंडार बुलाया है जिद करके आज इतने सुंदर लग रहे हो आज जी भर कर देखूंगा। आओ जरा उठाओ बजाओ ताली सीधे सीधे हाथ उठाओ। जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे। जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे ना बोलो पलकों का गए तैयार सांवरे ओ मेरी पलकों का श्याम सामने आओगे आज भी पर्दा होगा कि सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। बड़े भाव से बुलाने आया हूँ बाबा मुझे विश्वास है मैं बुलाऊंगा तो जरूर आओगे क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा और अपना मान भले घट जाए भक्त का मान ना घटते देखा भक्त का मान ना घटते देखा। प्रेमी रोता रोता बोला क्या कि मैंने मोहन को बुलाया है वो
होगा। मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं दुनिया में, इतने लोग हिंदू धर्म सनातनी हैं जो भगवान को मानते हैं। सबके बुलाने से नहीं आता, अगर जिद करके बुलाओगे तो ही आएगा। जिद करो, अड़ो बाबा, करना पड़ेगा, नहीं तो लाइन में बहुत लोग धक्के खाते हैं। भाव तो प्रबल होने चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए, कहना कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। कौन कौन बाबा को बुलाना चाहता है, कौन कौन साथ में ताली बजाते हो, जो जो बुलाना चाहता है ना, जिद करके बुलाना, कहना वो आता होगा, 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 वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, सच्ची लगन लगती है ना, जिसको कहते हैं कि सिर्फ बाबा दिख रहा है और मैं हूँ, इतने लोग हैं इस जगह में, पड़ोस में कौन बैठा है वो भी भूल जाओ, क्या बात कर रहा है वो भी भूल जाओ, अभी ये देखो मैं और मेरा बाप बैठा है, बस मुझे भजन सुनाना है, दुनिया की कोई परवाह नहीं है। आज सेवा करोगे फल मिलेगा, और जो फल की अपेक्षा से नहीं आए उनको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा दुनिया में। प्रेमी कहता है बाबा मौत आती है तो आ जाए कोई गम नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम ही नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम ही नहीं, मौत आती है तो आ जाए कोई गम भी आएगा। कौन आएगा बाबा? वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा, वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। अभी कहा दीदी ने कि वृंदावन और खाटू नगरी पागल खाना है हम जैसे पागलों का, इसके पागल कहलाने में कोई गम भी नहीं है, हम तो हैं इसके प्यार में पागल। इसके नाम का कोई पागल कह दे तो खुश हो जाना कि मैंने सेवा करी, जो पागल बोल गया मुझे बाबा के नाम का। प्रेमी कहता है कि वो पागल खाना है, सुनिएगा, वृंदावन और खाटू नगरी एक पागल खाना है, कि वो पागल खाना है, वहाँ पागल आते जाते हैं, और दुनिया भर के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, वो सीने से लगाए जाते हैं। अब जो जो मंदिर जाता है वो प्रेमी कहता है, सुनिएगा,
जाया करो। मैं रोज तुम्हारे दर पर आता हूँ, ओ कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, ओ कभी तुम भी मेरे घर आया करो। एक प्रेमी के दरबार में जाकर कहता है कि बाबा कि इतना दिया मेरे श्याम ने मुझको, सुनिएगा, कि इतना दिया मेरे श्याम ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं। और बाबा ये तो कृपा है खाटू वाले की मुझ पर, मुझ में तो कोई बात नहीं, मुझ में तो कोई बात नहीं, ओ मुझ में तो कोई बात नहीं, ओ मुझ में तो कोई बात नहीं। और सुनो, जब कीर्तन चालू हुआ बड़ी भीड़ थी, ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, और उस भीड़ में बहुत लोग अच्छे थे, बहुत लोग बुरे भी थे, सब एक भावना से नहीं आते, लेकिन जो बुरी भावना से आते हैं उनको हम कहते हैं क्या, के भैया जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, अरे रात में पी सुबह को उतर जाएगी। और सुनना, पीना है तो मेरे शाम नाम की मस्ती पी कर देखो प्यारे, ओ तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, ओ तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, ओ तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जो हार कराया है कहना
हारे हारे हो बाबा हम तो तुम हारे के। कहते हैं कि सैकड़ों गर्जमंद मिलते हैं और काम के लोग तो चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का समय आता है तो सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कहना मिलकर बोलो हारे 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 तुम हारे के सहारे श्याम, हारे 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 तुम हारे के सहारे जय हो। ओ बाबा बोलो श्याम प्यारे भजन सुनाए, कब बाबा का ज्योत आए और कब हम कीर्तन में आनंद लें। जो जो इसको अपना बाप मानता है और खुद को इनका बच्चा मानता है वो मेरे साथ कहना क्या, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, ओ मेरी पलकों का घर पूछे कि तू खाटू क्यों नहीं आता, मुझे खंडार में क्यों बुला लिया। बाबा पूछ सकता है सपने में आके, इतनी मेहनत करी इतनी जिद करी, हर कोई नहीं बुला सकता। आप लोग किस्मत वाले हो, किस्मत वाले मानते हो ताली बजाओ। कौन कौन किस्मत वाला मानता है, सिर्फ वो ताली बजाना। ये खंडार वाले किस्मत वाले बाबा आया आपके गाँव में। मैं जब आई मुझे लगा पता नहीं शाम प्रेमी होंगे नहीं होंगे, लेकिन अनुष्का ऐसे शाम प्रेमी बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, ये शाम प्रेमी कहते हैं बाबा हमने आपको खंडार इसलिए बुलाया क्योंकि अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता, खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता, बाबा खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है बाबा, अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता, अरे जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा, अरे जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजता। बाबा आज खंडार बुलाया है जिद करके, आज इतने सुंदर लग रहे हो, आज जी भर कर देखूंगा। आओ जरा उठाओ बजा ताली, सीधे सीधे हाथ उठाओ। जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे, जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे, बोलो पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का और लेने आ जा खाटू वाले कहां, आहा आता है मतलब, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस के, बाबा दुनियादारी छोड़ कर आया हूँ लेने आपको मुझे आना पड़ेगा। बाबा बोले कि दुनिया तो खाटू आती है तो मुझे रिंगस क्यों बुलाता है,
तो बच्चे बोले बाबा हार कर ठोकरे खा कर तेरे दरबार में बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ, और मैं बच्चा हूँ और एक बच्चा ही अपने पापा से जिद करता है ना। तो जो जो बच्चे बन कर आए हैं मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने भजन सुना वो भी गाना, जिन्होंने नहीं सुना अपना पड़ोसी का सुन के गा देना और ताली भी बजाना, और अगर आप बजाओ पड़ोसी नहीं बजाए तो आपकी जिम्मेदारी पड़ोसी से भी बजवाना। आओ जरा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, बाबा लेने आ जाओ खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आ जाओ खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ बोलना, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, खाटू श्याम मित्र मंडल। कितने टाइम से बना भैया? अभी बना, पहली बार 2 महीने पहले मंडल बना और इतना बढ़िया कीर्तन करा, इनके लिए ताली बजाओ। अब इन भाइयों में से कौन कौन चाहता है कि आप भी कीर्तन कराओ अपने घर पे मंडल बना के, चाहते हो? अरे मंडल बनाकर मत करना, इस समिति से जुड़ जाना। आज अधिष्ठान अनुष्का को बुलाया, एक दिन कन्हैया मित्तल को बुलाना और कहना सारे साथ में, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा मैं कीर्तन करवाऊंगा, और कीर्तन कराऊ ऐसा इतिहास बनाऊंगा, कीर्तन कराऊ ऐसा इतिहास बनाऊंगा। Oh!
अगर श्रृंगार करोगे तो फूल कहाँ से मंगाना चाहोगे? अरे निखिल, अनुष्का, हाँ मैं बताती हूँ, ये ना लंदन से फूल मंगवाए। ऐसा? हाँ पक्का? कौन कौन मंगाएगा? अच्छा लंदन से मंगाओगे कि घाटू से मंगाओगे? ये बात क्या कहना चाहते थे? घाटू के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, घाटू श्रृंगार कराऊंगा, मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बनाऊंगा। अब क्या कीर्तन कराया? कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते, कुछ आपको बोलते हैं कीर्तन कर और बढ़ा कर मैं तेरे साथ हूँ, कुछ लोग टांग खींचने लग जाते हैं क्या इतने पैसे खर्च करना, क्या करना कीर्तन करके घर में भजन गा लो। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं तो बुरे भी होते हैं, लेकिन जब कोई बुरा बोले ना तो सुनना, उनको कहना और बाबा से भी कहना, बाबा हमें क्या मतलब, हमें तो बुलाना है आप आओगे, और हम तो एक ही बात कहते हैं मतलब की मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है, और कहना अरे ओ सांवरे ओ मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, अरे ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। लखदातार की, बोलो मोरवी नंदन की।